जीवा एमपी में विजयदशमी की धूम है। अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर आज शस्त्र पूजन किया गया। मुख्यमंत्री सहित मंत्री व सांसदों ने शस्त्रों की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया व मस्तक से लगाया। रीवा में भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुलिस लाइन पहुंचकर विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। विजयदशमी के अवसर पर हर वर्ष शस्त्रों की पूजा की जाती है। पुलिस अधिकारी कर्मचारी शस्त्र का पूजन करते थे, लेकिन इस बार का शस्त्र पूजन खास है क्योंकि अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सहित उनके मंत्रिमंडल ने भी शस्त्रों की पूजा मंत्रोच्चारण व विधि विधान से की। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने शस्त्र पूजा की और शस्त्रों को प्रणाम करते हुए अपने माथे से लगाया। सबसे पहले आप सबको और आपके माध्यम से विजयादशमी पर्व की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विजयादशमी विजय का प्रतीक है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। और आज के समय में हमें ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि जो विकृतियाँ और कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज में पनप रही हैं, जो हमारे विकास को कहीं ना कहीं अधूरा करती हैं, उन विकृति और कुरीतियों पर भी विजय हमको आज विजयदशमी के पर्व के अवसर पर संकल्प लेके उसको सिद्धि तक पहुँचाना है। इसलिए विजयादशमी का पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, उनके अधर्म पर धर्म की जीत से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सब हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, सभी को बधाई। और आज शस्त्र पूजन का यहाँ पर जो कार्यक्रम है, आमतौर पे पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो और पुलिस के तमाम जो हमारे कर्मी हैं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।